एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते। पूरा देश चल उठा था। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सिखाई। बीजेपी ने मंडल के इस दांव के सामने कमंडल की राजनीति की लकीर खींच। लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा कर दी कि वो 25 सितंबर 1990 से सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू करेंगे। जो 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होगी, इसके बाद कार सेवा की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने तब इस रथ यात्रा की पूरी मैनेजमेंट की थी। तो ये बहुत ही वैमनस्य का, घृणा का, गर्म राजनीतिक माहौल था। और जब वो सोमनाथ से चलते हैं तो उनके सारथी के रूप में प्रमोद महाजन और श्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। वो संघ के एक प्रचारक के रूप में, भाजपा के गुजरात के नेता के रूप में काफी प्रसिद्ध उस समय हो चुके थे और उन्होंने पूरे गुजरात में अच्छे तरीके से मैनेज किया। फिर प्रमोद महाजन भी इसमें उनकी मदद करते रहे, लेकिन देश का वातावरण बहुत घृणा और विद्वेष से भरा हुआ था। मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर रोज कम से कम 3 जिलों में उतरने लगा और वो रैलियों में जोरदार ढंग से कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। मुलायम समय की गति को समझ तो रहे थे, लेकिन राजनीति तो कुछ और ही तैयारी कर रही थी। तय था कि आडवाणी की रथ यात्रा का अंतिम मैदान यूपी की अयोध्या थी, लेकिन वीपी सिंह ने अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार में लालू प्रसाद यादव को फोन करके आडवाणी को गिरफ्तार करने की सलाह दे दी। हेलो, कौन? नमस्कार लालू जी, कैसे हैं? मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्कार, कहिए। यूपी में घुसते ही मुलायम आडवाणी जी को गिरफ्तार करेंगे। अरे तो ठीक है, अयोध्या की राजनीति वही संभाले। लालू जी, बात को समझिए, आप ही गिरफ्तार कीजिए वरना मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा है, ठीक है, आडवाणी जी को अभी गिरफ्तार कराए दे रहे हैं। अभी नहीं, रात 2 बजे के बाद ठीक रहेगा। तो जो मुलायम सिंह यूपी में आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर मंडल और सेक्युलर राजनीति के हीरो बनने की तैयारी कर चुके थे, वो क्रेडिट वीपी सिंह की सलाह के बाद लालू प्रसाद यादव ले गए। खैर, रथ यात्रा तो रुक गई, लेकिन कार सेवा का अयोध्या में 29 अक्टूबर 1990 से ही पहुंचने लगा। ऐसा लग रहा है कि कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके चाहे नेता लोग रुके। मुलायम सिंह ने पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की थी, लेकिन कई नेता जिनमें अशोक सिंघल भी शामिल थे भेष बदलकर पहुंच गए। मगर कार सेवा नहीं, आपका कहना है कि आप किसी भी हालत में आपकी कार सेवा नहीं छोड़ेंगे? हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। 30 अक्टूबर को अचानक अयोध्या में जगह जगह से कार सेवक निकलने लगे और विवादित स्थल तक पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग किया जिसमें कई लोगों को चोटें पहुंची, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आई। मुलायम सिंह ने यह दावा किया कि विवादित स्थल में किसी को भी घुसने नहीं दिया गया।
राम राम तो सबके नाम पर आज भी है, मेरे नाम मेरे मेरे जवान पर नहीं है क्या? ये तो एक अफवाह और कुप्रचार है। क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ, मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ। हालांकि देश भर में इस घटना के बाद हिंसा भड़की, जिसमें 35 लोगों की जान गई, 30 शहरों में कर्फ्यू लगा। वीपी सिंह ने मुलायम सिंह से इस पर स्पष्टीकरण मांगा। मुलायम का दावा था कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कार सेवक अयोध्या में जगह जगह मौजूद थे। फिर आई 2 नवंबर की तारीख, एक बार फिर विवादित स्थल की ओर कार सेवकों का रेला चल पड़ा। इस बार मुलायम सिंह ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। कई लोग बुरी तरह घायल हुए, कई लोगों की जान चली गई, अयोध्या रक्त से लाल हो गई। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के संरक्षक थे। ये मामला अदालत में विचाराधीन था। जब तक अदालत का फैसला ना हो, मंदिर मस्जिद का स्थान की स्पष्ट घोषणा ना हो, तब तक उस ढांचे को सलामत रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी थी। वो उनकी राजनीतिक मजबूरी का वो काल है और वो राजनीतिक निष्ठा का सवाल नहीं है। उस राजनीतिक मजबूरी में उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उनके पास विकल्प होता, मान लीजिए, तो वो कल्याण सिंह से बड़े हिंदू नेता होते।